हाँ। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अजय हुड्डा, अनु काद्यान और मैं, हमारी सबकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार आप सभी को नमन करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और थोड़ा सा और एडजस्टमेंट कर लिया ताकि आपने सारी बात क्लियर सुन जाए, दिख भी जा। बहुत बढ़िया, ये आपके मैसेज भी बीच बीच में आने लग रहे हैं। और देखो भाई, बीच का खाली स्थान भरो जो आप बचपन में कह रहे थे। और मोबाइल का यो भी साफ कर लो, एक बार काला हा होगा, माफ कर दियो। काला तो बैठे है, थोड़ा न्यू कर दिया, लुटा दिया इन्हें, जब बात बनेगी। बहुत बढ़िया, एक से दो बोले, दो से चार बोले। लो जी, ईव देखो भाई, बहुत पूरा स्पेस है, एक के चट्टी दे न्यू कह रही थी, बोली मेरे का नहीं था भीड़ वो है ना। बिल्कुल भाई, एक तो नंबर एक, ये जितने भी साथी जुड़न लाग रहे हैं उनके नाम तो हम थोड़ा सा लेट बता पावांगे, उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं थोड़ा लगातार पढ़ देता हूँ। रवि भाई है, नसीब भाई है, कपिल भाई है, उधर रफ्तार है, अंदीप है, डीएस गोदारा है, मोहित धनखड़ है, कपिल है, दलाल, सारे भाई ना, राम राम है। हाँ हाँ, ये सारे नाम पटांगे, गेल गेल जितने भाई इस टाइम जुड़न लाग रहे हैं ना, वे सारे को शेयर कर दो। क्योंकि हर बार की डाल, ये अनु का देन जो है ना, पेज एक ही से ठीक है। ये अनु का देन हमेशा नहीं होगा कि मेरे इतने आगे, मेरे इतने आगे, हर बार मेरे तो आ रहे हैं तो। लेकिन चलो, हाँ आपकी बात ज्यादा है, आपकी बात ज्यादा है। अच्छा, बहुत बढ़िया लगे भाई, एक तो बहु काले की जो गाना तुमने, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, कमाल। उस पर लठ भी पसंद लगे, अखबार में खबर आ गई, वो गलत है भाई, मन ने उसकी विवेचना की थी, मैंने वहां फोन करके पता किया था वहां के प्रशासन से, तो वो जो झगड़ा हुआ वो बहु काले गाने पे नहीं हुआ, डीजे वाले के साथ उस भाई के पर्सनल टशन थे। ये मैसेज आते रहेंगे, कोई नहीं। डीजे वाले भाई के साथ उसका व्यक्तिगत झगड़ा था, बिल्कुल, और उसने डीजे वाले भाई के साथ कुछ झगड़ा किया था, फिर उनका झगड़ा थोड़ा सा लंबा चला, लेकिन उसका कारण गाना नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई काला था, उसकी बहू थी, उसने छेड़े थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये सच्चाई भी सामने आ गई है, इसलिए उन पर भी विराम लग गया है, इतनी बातें। और एक बात और, जो कल पोस्ट पड़ी थी कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती वाला, तो भाई से मतलब मिस्टेक हो गई थी, किसी ने गलत फोन कर दिया था भाई को, वो सब इंस्पेक्टर का नहीं क्लियर हुआ था, वो कांस्टेबल का क्लियर हुआ था, वो भी बहुत बढ़िया है। बाकी सच्चाई तो ये है कि सरकार में भागीदारिता होना बड़ी बात है, और दूसरी बात, हमारा भाई तो पहले सुपरस्टार है, डीजे किंग है, तो पदों से कोई वो मतलब नहीं होता। कलाकार तो भाई पदों का मोहताज भी नहीं होता, कलाकार तो बहुत, कलाकार पे तो सीधा भगवान का आशीर्वाद होता है, इसलिए थारा सारी जनता का आशीर्वाद यूं ही बने रहो है, तो हम तो इंस्पेक्टर में बने रहो थारे आशीर्वाद। सो भाई, ईब सारे साथी जब जुड़ गए हैं, इधर से 19 और उधर से भाई कितने, 26 ईब लोग जुड़ गए हैं, तो इब क्यों करो, जितने 19 एक एज एक्टिव जुड़ रहे हैं, 26 पे अपना गजेंद्र भाट ऑफिशियल पेज चल रहे हैं, सारे एक बार दोस्तों ने शेयर कर दो, ताकि उन्हें न्यू मेरा पार्ट जाएगी, ईब हम जो घोषणा करने लग रहे हैं, और ईब जो नया धमाका थारे खातर। अच्छा, एक और बात है, मैंने अजय को कहा कि भाई बहु काली गाना बहुत बढ़िया, लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो अभी अपन अगले साल जो है ना एक गाना ड्यूट देंगे, तो अनुकादन से डिस्कस हुआ, तो ये बोले ठीक है, अभी आनंद लेते हैं बहु काली का। लेकिन दर्शक की एक डिमांड आई कि भाई जब जब डीजे बहु काली चल रहे हैं, तो दो अंतरे बाद वो खत्म हो जाए, तुम कोई सा गाना दे दो जी, मैं दो अंतरे और जुड़ जाए तो दो गाने इकट्ठे बजा लिया। लेकिन देना हस्बैंड वाइफ का, वीर मर्द का, या फिर जिसको मेल फीमेल का, यानी तो भाई इसलिए थारे जिसे भैया की डिमांड पे हमने ये गाना बनाया है। गाने का नाम बताओ भाई, आप ही बताओ। गाने का नाम है भाई बलमा पावरफुल, क्या बात। और यो जो गाना है, जो पावरफुल है, यो इतना, हाँ यो इतना पावरफुल है कि गाना टुकड़ों में गाया गया है। ये मैं इससे काम करूंगा कि मैसेज चलाओ न्यू करता रहूं, नहीं अपने आप चला रहे। अच्छा, तो भाई मैं यू बताऊं था, ये गाना हमने टुकड़ा मंगाना पड़ा, बहुत ऊंचा गाना था, आंगा भी लग गया, लेकिन अजय बिल्कुल नहीं माने, बोला ना इतना ऊंचा गाओ, बहु काले की से जो है ना नीचे नहीं रहना चाहिए,
बिल्कुल और ऊपर होगा तो वो फिर दर्शक डिसाइड करेंगे, हमारी औकात नहीं है, वो तो सब आप बताओगे कि भाई यो बढ़िया है वो बढ़िया है। अभी तक जिसने भी सुना है, साथ भी वही होने वाला जो हमारे साथ हो रहा है, मतलब अब बहू काले की बहुत फिक्का लगता है उसके आगे, यह बात है। हाँ यस मरवाओगे ये। अच्छा मैं अभी आज फर्स्ट हरियाणा एक चैनल है तो उसके पत्रकार ऐसे ही मेरे से पूछ रहे हैं कि जब बहू काले की बनाओ थे तब मैं बेरा था हिट होगा, तो मैंने यही बात कही थी, कोई सोशल मीडिया बैठी है और वो इंटरव्यू मेरा परसों जो है वो अपलोड हो जाएगा, तो उसमें ये मैंने कहा है, इसलिए बोल रहा हूँ झूठ नहीं है। तो मैंने ये कहा कि भाई सिर्फ एक आदमी था जिसने न्यू कही थी कि गाना हिट होगा, हमने भरोसा नहीं करा, मैं वहां गणेश बड्डे बोलने बोले यार थे, तो फिर ऐसे उठाने लिख के दिया, अब की बार भी ने लिख के दे रहे यार वह फोटो और मैं अपलोड करूंगा। जब तम सब नया जे भाई की जुबान पे भरोसा है उस अपना प्यार आशीर्वाद इसकी लेखनी दे रखा है अपने हाथ से कि गाना सुपर हिट होगा, इसकी लेखनी ने झूठी मत पढ़न दियो, सच्ची बात तो है यार, क्योंकि मैं भी चाहूं कि भाई मारा छोटा भाई जो है ये इसकी लेखनी जितने प्यार से जितना डूब के लिखा है ना उसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था कि लेखक की जो है ना वो कीमत वसूल हो जाती है जब वो सारे लोग उसको प्यार करते हैं। कलाकार की क्या कीमत हो यार ना, तो हमने कुंड से अंबानी रणमहल बना लिए, हम भी थक लानी आंडा भाई, पर हमारी मतलब आत्मा बोलते ना हर आर्टिस्ट को, वैसे मतलब हर इंसान को ये पता होता है कि कौन कितना भाई मैं कितना पानी में हूँ, खुद का पता होता है, तो जब हमें ये लगता है कि हाँ हमने 100% दिया हुआ है तो उसमें मतलब वो तो नेगेटिविटी की तो कोई 100% हमने तो दे दिया, लेकिन दर्शक का 100% देखने का हम आज के इस लाइव में न्यूज आवागे की ज्यादा ज्यादा शेयर करा जा ताकि हम अपने गाने के बारे में अपने गाने के बोला के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर पावा तो और लोगों ने मेरा पार्ट जाए। मारे इतने उलाने आवे हैं, पिछली बार जब बहू काले की हमने रिलीज करा उससे पहले हमने एक रिक्वेस्ट करी थी कि भाई सारे धनी वीर आप उसको वीडियो डालो, किससे भाई ने उस टाइम वीडियो नहीं दी, लेकिन उसके बाद इतनी वीडियो दी कि हम थारे कर्जदार हो गए। भाई इस बार भी अगर तुम ये गाना सुन लो तो बेशक तुम अपनी वीडियो बनाकर हमने शेयर कर दियो, पिछली बार जितने लोगों ने वीडियो दी मैंने अजय उड्डाने और अनु कादर ने सबकी वीडियोज को व्हाट्सएप डीपी पे भी लगाया, चाहे लगाया हो दो दिन खातर चार दिन खातर, सबकी वीडियोज को हमने अपने इंस्टाग्राम पे डाला, अपने फेसबुक पेज पर डाला, किसी भाई की रहेगी हो तो हो सकता है एक आध परसेंट किसी की न्यू रहेगी हो कि वो क्वालिटेटिव ना होगी, घनी शेकिंग होगी या वीडियो, लेकिन बाद में आई जब वीडियो रिलीज हो चुकी थी जब मिले हमारे को दर्द दियो है यो हमारा दिल का दर्द आप जरूर जान लियो कि हमारा दर्द पहले नहीं मिली हमारे को, हमने गाने तो पहले वीडियो चाहिए ताकि उसकी प्रमोशन हम डबल कर सका, उसकी हम न्यू बता सके हमारे साथियों ने प्रमोशन शुरू कर दी, जब गाना आ गया मार्केट में उसके बाद आने लगी, क्यों, क्योंकि वो इतना ज्यादा शेयर नहीं हुआ था, तो ई मम्मी साहब आगे वीडियो पहले बना दो और पहले इस तरह के लाइव शेयर कर दो तो लोग न्यू मेरा पढ़ जाए फला गाना आन लगा, बिल्कुल बिल्कुल पावरफुल आने लग रहा है भाई साहब, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि बलमा पावरफुल तो पावरफुल है, बिल्कुल काले की बहू गाना आया बहुत बढ़िया रिस्पांस लिया, उसके बाद लोगों ने कही काले की बहू भाज गई, किसी ने कही काले की बहू उल्टी आ गई, किसी ने कही चपरासी लग गई, तो इस बहू ने की तो जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका जो बलमा है वो पावरफुल है, वो इस गाना में सबकी नाश फोड़ता दिखेगा तुमने, यो भाजन का ना तो उसने बहू ने मौका देगा और ना किसी ने बजाने का मौका देगा, तो बहुत बढ़िया गाना है, बहुत ही सभ्य और बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही पॉजिटिव सॉन्ग है भाई, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा सा एक एजेंटी के पेज पे कम अभी व्यूअरशिप आई है, थोड़ा सा कहीं इनकी आईडी से लाइव तो नहीं हम, किनकी आईडी से जी, अनु जी की आईडी से लाइव है, पेज से लाइव नहीं, पेज है मेरे ख्याल से, क्योंकि जितने नीचे वो आते हैं पेज की ही शायद, ना चलो देख लेंगे जिस तरह से कोई नहीं तो दुबारा कर लेंगे, दुबारा साथी चाल रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गैप आ रहे हैं, तो आज एक छोटी सी बाइट है जो वीडियो की, जो हमने रिकॉर्डिंग टाइम पे फन किया था, थोड़ी मस्ती करी थी, जब गाना रिकॉर्ड हो गया तो थोड़ा मूड बढ़ जाता है, तो वहां जो मस्ती करी थी वो हमने गजेंद्र फोगाट के जो यूट्यूब चैनल है उस पर डाली है, तो उसको बड़ा प्यार मिल रहा है, यूट्यूब पे जो चैनल उसका नाम भी गजेंद्र फोगाट है, हाँ गजेंद्र फोगाट है YouTube चैनल है, उसको पर वो बाइट पड़ी है छोटी सी, उसको देखो आपने मतलब महसूस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये चीज क्या है, उस बल्कि मैंने अपने ऑफिशियल पेज पे जिस पे आप लाइव देखने लग रहे हो गजेंद्र फोगाट ऑफिशियल जो फेसबुक का पेज है उसके ऊपर मैंने लिंक भी डाल रखा, तो मेरे वाला लिंक खोल के देख लियो, डाल रखे भी डाल देंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरी बात, वह वीडियो कल बनाई, हाँ कल वो वीडियो बनाई है और आज एक और वीडियो बनाई है रात ने 1:30 बजे बनाई, और आज जो बनाई है वो कल डालेंगे, हाँ। वो मेरी अनु जी की है, अनु की राजे, क्योंकि इस गाने में अनु और अजय जो है एज एन एक्टर भी आने लग रहे हैं, अनु ने बहुत स्वीट गाया है, अजय हमेशा लिखता ही बढ़िया है, तुमने बेरा होगा, तो ये दोनों एक राइटर और एक सिंगर दोनों, बल्कि मैं तो कहीं पर कह करूं कि अनु को मेरे अपोजिट एज ए सिंगर
खड़ा करो एक्ट्रेस को और लो, लेकिन इन इनकी जोड़ी इतनी आप लोग पसंद कर रहे हो कि उसको हमें रिपीट करना पड़ता है। तो मेरी मेरी सिंगर बल के नकली ले हैं, मतलब नकली वाले जो जी ने गाना रखा उसने उसने के लिए। वैसे आपने मतलब मुझसे बहुत अच्छा गाया आपकी बार, थैंक यू वेरी मच। बहुत स्वीट, पिछली बार भी बढ़िया गाया था, ठीक था, लेकिन अगली बार और बढ़िया गाया। लेकिन नरेंद्र भाई ने कमाल गाया, कमाल। अनु जी ने भी बहुत ज्यादा मीठा गाया, जैसे मतलब सच्ची बात ये है, पूरी टीम ने, जी आर भाई ने इतना अच्छा म्यूजिक, कमाल, बहुत मेहनती। मतलब 12 इंटरलूड हमने लेकाड़े, एक इंटरलूड तो हमारा फिक्स कर दिया, लेकिन दूसरा जो म्यूजिक था उसके 12 अलग अलग म्यूजिक जो है वो हमने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ डिस्कस किए, और जब जाके एक इंटरलूड जो है वो कल फाइनल किया। आज बल्कि मेरे से फर्स्ट हरियाणा वाले पूछ भी रहे थे कि आप लोगों ने कितने दिन में गाना बना दिया। मैं कहा भाई अगर राइटर तब जो तो सालों साल की उसकी तपस्या, पिछले जन्म से ही उसके माइंड में बहुत सारी चीजें होती है जो इस जन्म में लिखी जाए। पहली बात तो देखो, दर्द जब लाख बार छनता है तब जाके एक लिरिक्स राइटर बनता है। तो ये सबसे पहले गाने का जो पितामह होता है वो राइटर होता है। तो राइटर की अगर यात्रा देखे तो कई साल की वो है, गायक की यात्रा इतनी है कि उस गाने को उसने सिर्फ आत्मसात करना है, जो राइटर ने लिख दिया उसके इमोशन के हिसाब से आपने गाना। मारे आड़े इस गाने इन इस प्रोजेक्ट में यह खासियत रहे वो गाड़े की में भी, खाट में भी, इसमें भी, कि राइटर सिर पर बैठा रहे जब तक उसके हिसाब से जो उसने लिखा उस भाव से नहीं गाओगे जब तक गला पड़वाता रहेगा। इसलिए इतनी ज्यादा वाट लगे है, दो बार सिटिंग रखी है और खुद म्यूजिक डायरेक्टर का भी बहुत समय खर्च होता है। रात के 1:30 बज गए थे, मैं कल चंडीगढ़ से आया था, परसों सुबह हो गई थी, जिस दिन हमने गाना रिकॉर्ड किया था उस दिन सुबह 6 बजे हम रोहतक वापस आए हैं और पानीपत से चले थे हम उस टाइम 4:30 बजे, धुंध बहुत थी, ज्यादा थ्रिली पर रखा हमने प्रोजेक्ट करने पड़े थे, इसलिए तुम जो अगर प्यार दे ना तो हमने ऐसा लग गया कि हाँ इन दर्शक का तो ज्यादा थ्रिली दरिया जा सके। बिल्कुल, इतना प्यार मिला है तो फिर दरिया जा सके। बिल्कुल, और अजय के साथ काम करने में दो अपोजिट चीजें रहती है, ये सब फर्स्ट तो ये कि इनके लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं जिन पे मतलब पूरा फन किया जा सके, मस्ती की जा सके, लेकिन मतलब इनके मतलब बिहेव की वजह से इतना भार रहता है सर पे कि जिसकी पहली रिकॉर्डिंग होती है ना वो तो मतलब मजे ले जाता है। दबाव नहीं बढ़ा रहा है कि अजय जो है अगर डीजे का गाना होना तो ये खड़ा हो जाएगा आंख मीच के, और जब हम गावांगे ना तो मारा आता जाता इस पर है, जो नाचन लगे तो हम ठीक कर, जो नाचे तो मारे उड़ चुके अगले भाई तो क्योंकि अगर इसका डांस लेकर जाए ना तो यू मानना है कि और भी लेकर, क्योंकि अजय जो है वो इतना जमीनी लेखक है, यही कहता है देखो जी मैं हूँ आम आदमी, ये अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ, गुलजार हूँ ना, यू नहीं कहता मैं आम आदमी हूँ, जब मन स्वाद आ गया तो हमारे भैया ने भी स्वाद आ गया, हमारी बाणा ने भी स्वाद आ गया, ये अच्छी बात है। क्योंकि मैंने नाचना नहीं आता, जब मैं नाच सकूं हूं, मुझे डांस मतलब का मूड बन सके, मेरा डांस का मूड बन सके है, तो मुझे लगता है कि मतलब सबका डांस का मूड बन सके। एक तो भाई एक तो शेयर करियो, मन लगा जोटा मारा नहीं है क्योंकि जितने अभी आ रहे हैं हरियाणवी के लिए जोटा मारो भाई। हाँ। सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि बहु काले की जब गाना आया, शेयर तो कर दो, शेयर करियो भाई, आपका समय शुरू होता है, शेयर मार दो नीचे, शेयर का बटन लाइव शेयर करके और ऊपर के मैं भी लिख दो, जैसे मान लिया राजेश नाम के व्यक्ति ने शेयर किया था, वो लिखो राजेश बलमा पावरफुल। मान लिया कोई लड़की है, मान लिया कोई हमारी बेबी हवा देखने लगी, मान लिया उसका नाम सरिता है तो लिखो सरिता बनो ब्यूटीफुल। बिल्कुल, क्या बात है, मतलब लड़कियां हैशटैग कर सके हैं लड़के के नाम से बलमा पावरफुल से, लड़के कह सके हैं बनो कुछ भी, लड़के जो कह सके मेरी बनो ब्यूटीफुल, लड़कियां जो कह सके मेरा बनना मेरा बलमा पावरफुल। एक बार शेयर करते रहो, एक बार शेयर मैं ये बताने जा रहा था कि बहु काले की जब सॉन्ग आया तो उसके आज 10 करोड़ व्यू हो गए हैं। अच्छा, 10 करोड़ व्यू हो गए हैं उसके। मिलिन मैंने देखे थे। हाँ, दोपहर। हाँ, तो मतलब पंजाब को भी आज ये लगता है, बाकी तो ऑल इंडिया को लगता ही है, हमारा पड़ोसी राज्य तो पंजाब है, पंजाब को ये लगता है कि यार इतने व्यूज कैसे आ सकते हैं हरियाणा में। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, रेशम अनमोल पंजाब के बहुत बड़े सिंगर, उनके बहुत गाने हिट हैं और वो बड़े स्टारों में आते हैं, रेशम अनमोल फिल्म भी कर। बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया है, झूठ बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। बिल्कुल, और आप भी बेशक पंजाब वाले मित्रों को शेयर कर दियो ताकि रेशम अनमोल भाई तक ये बात पहुंचे भी, मेरा भाई है रेशम, उनका फोन आया कि पाजी किथे हो, मैं कहा जी मैं रोहतक, बोला इतना हिट गाना देखे रोहतक पड़े हो
तो मैं बोला जी हरियाणा में तो हमने इतना प्यार है, हमसे भी छिड़ दिले आड़े मरांगे आड़े जीवांगे। बात की हुई, बोला मेरी वाइफ आपके गाने की इतनी बड़ी फैन हो रखी है, पंजाब में शादियों में भी चलता है आपका गाना बहू काले की। तो ये उसका बड़ा पन है, देखो एक कलाकार दूसरे कलाकार को इस तरह से फोन पर प्रोत्साहित करे। तो मैं रेशम मनोहर भाई बहुत तरक्की करें, बहुत ऊंचाई पे जाए, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ। लेकिन इतने बड़े सिंगर ने अगर इस गाने की प्रशंसा की है तो इसका मतलब हरियाणवी को पंजाब भी प्यार करने लगे। सभी सभी प्यार कर रहे हैं, नो डाउट। इसमें आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं, टॉप मोस्ट व्यू ऑल इंडिया सॉन्ग्स किसी भी सर्च कीजिए, आपको हरियाणवी टॉप 50 जो व्यूज की मिलेगी, लिस्ट मिलेगी, उसमें आपको हरियाणवी सॉन्ग्स मिलेंगे, ये मेरा वादा है। उसमें चाहे सैंडल हो चाहे तागड़ी हो, है। और उनसे भी मतलब जिस तरह से स्पीड चल रही है बहू काले की, उससे तो ये लगता है कि ये अलग ही पहचान बनाएगा एक हरियाणा की, सबसे बड़ी ये बात है। सबसे ज्यादा सिक्वल मतलब आने वाला सॉन्ग हाँ, है, इससे पहले इतने सिक्वल किसी भी सॉन्ग में नहीं मैंने आए। 27 सिक्वल इसके डाउनलोड कर रखे हैं बहू काले की सॉन्ग के, और बहुत बड़ी बात है इतने सिक्वल बनाए लोगों ने, इतने मेहनत की, इतना प्यार किया कि मतलब लोगों ने ऐसा लगा था जो अपने ही गले होने लग रहा है, चीज बहू बाज की तो उल्टी लेनी है, उल्टी आगे दिन चपरासी लानी है, ये फलाना करना है, ये दकड़ा करना है, जो चीज मतलब लोग अच्छा हर कर अभी रहे थे, प्यार कर रहे थे। अभी मेरे पास एक वीडियो आई थी कि भाई बहू काले की को भारत रत्न की मांग कर रही है। बकस दो रहे हैं, बकस दो रहे हैं, बकस दो। मैंने को जितना आंगा तुमने बहू काले की पे लाया है, ये उसने बचा लियो बहू काले की गाना का बहू प्यार काले की लगा उल्टी आ गई है, रुक के है। मारना गिरे बलमा पावरफुल। ये वन्यू कह है कि मेरा बलमा पावरफुल है, काला इतना कमजोर नहीं है। तुम क्यों भी कह दोगे बहू बाज की काले की एक बार बहू सुना दो ना, लेने दोनों सिंगर तो बैठे हैं भैया का थोड़ा एंटरटेन। रे उसका घना डरे घर बारी रेज की बन्नो ब्यूटीफुल, रे उसका घना डरे घर बारी रेज की बन्नो ब्यूटीफुल। रे उसकी बहू किसे ते पटे को नाज का बलमा पावरफुल, रे उसकी बहू किसे ते पटे को बलमा पावरफुल। तू यूज करया कर ओले ने मत फिल्म देखा फरी मोले ने, तू यूज करया कर ओले ने फरी फिल्म देखा ना मोले ने, तने सारे काम की तने सारे काम की बहुआ की रे कर दी बत्ती गुल, रे उसका गणा डरे घर बारी रेज की बनो ब्यूटीफुल। मेरा एक नंबर का गली अच्छा। आला बुरी नजरी आला का मुंह काला, मेरा एक नंबर का गली आला बुरी नजरी आला का मुंह काला, यारा सबकी बैटरी खत्म पड़ी यार तेरी ही बैटरी फुल, रे उसका गणा डरे घर बारी रेज की बन्नो ब्यूटीफुल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गाते हैं ना पसीने आगे, आप देख सको देख सको। स्केल 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 बहुत ऊंचा स्केल है, शायद इसी स्केल पे गाया है, नहीं तो 10 स्केल ऊपर भी शायद उसके। और अजय वैसे मैंने आपसे ये बात डिस्कस नहीं की, ना ही कभी पूछी है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपने ये सॉन्ग लिखा तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहू काले की सॉन्ग था या ना या नहीं? बहू काले की सॉन्ग था मेरे माइंड में, उसके बिना हो ही नहीं सकता। नहीं वो था, लेकिन भाई साहब वो आया मेरे माइंड में, आया वो अंतरा के टाइम पे। अच्छा, जब मैं उसके अंतरे लिख रहा था इस सॉन्ग के, तब आया। जब स्टाइल लिखी या जब मूड बनाया इस सॉन्ग के बारे में, थीम सोची, तब बहू काले की मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, ठीक है, तब मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था। मैं आपको बता दूं कि 2 वर्ड थे जो मेरी मतलब जहन में मेरे माइंड में घूम रहे थे कई दिन से, एक तो ब्यूटीफुल एक पावरफुल। अच्छा, 2 वर्ड थे, मैं लेके उनको घूम रहा था तो गाड़ी लेके घूमना, खेतों में जाना, मतलब ये पागल हो रहा था। बहुत कमाल की है, ब्यूटीफुल और पावरफुल, मैं मतलब पागल सा हो रहा था। मेरे को 1 हफ्ता लगा सिर्फ ये 2 लाइनें लिखने के लिए, मैं सोच रहा था इन दोनों लाइनों को कैसे यूज करूं मैं। इसके पीछे की एक साइकोलॉजी मैं आपको बता देता हूं कि इस दुनिया में 2 ही चीजें हैं, या तो ब्यूटीफुल ब्यूटी क्या है वो है प्रकृति, बिल्कुल, या पावरफुल वो परमात्मा। परमात्मा इतना पावरफुल है कि विध्वंस भी कर सकता है और मृत आदमी को जिंदा भी कर सकता है। और ब्यूटी क्या है, प्रकृति है, पूरे ब्रह्मांड में जो सृष्टि है वो इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है कि हम सब लोग वहां पर रहने के लिए ललायित रहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता।
इसलिए मानना चाहते हैं कि इतनी प्यारी प्रकृति के बीच रहने लग रहे हैं, कितना झरने, कितना नदियां, कितना पेड़, कितना खेत खलियान, कितना जीनस। इसलिए ब्यूटीफुल और पावरफुल दो ही चीजें इस दुनिया में हैं। बिल्कुल। और एक मित्र को जब मैंने ये लाइनें शेयर करी तो उसने कहा कि पावरफुल का मीनिंग कहीं कुछ और तो नहीं निकल रहा है यहाँ पे। मगर नहीं, आगे जाके अंतरम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पावरफुल का मतलब है मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल ठीक है, वो बहुत ही मतलब ताकतवर आदमी है, उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं, उसकी बीवी को कोई देख नहीं। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी हर लड़की एक मतलब पावरफुल इंसान से ही शादी करना मतलब पसंद करती है। बिल्कुल सही बात है। और देखो पावर हर चीज, हर आदमी को पावर चाहिए जो अपनी पत्नी की रक्षा करे, रक्षा करे। शेर जंगल का राजा इसलिए है कि वो पावरफुल। एक ना भाई ने तो प्रस्ताव लिख दिया, ठीक है बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा भाई। प्लीज 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 लिखा है इसने, तागड़ी तागड़ी तागड़ी, प्लीज प्लीज प्लीज। आप तीनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चौधरी सुमित दुहन अनुज ना भाई, मजा आ गया, धन्यवाद, मजा आने लग रहा है। प्राण भी जब यूट्यूब खुले तो सबसे ज्यादा व्यूज हमारे दिखे, हरियाणवी के दिखे। मेरा तो एक सपना है सच्ची, मैं एक सपने के साथ जीना चाहता हूँ कि अगर रीजनल लैंग्वेज में किसी लैंग्वेज के सबसे ज्यादा व्यूज हो, सबसे ज्यादा पहचान हो, तो वो मेरी माँ बोली हरियाणवी की। क्या हुआ था कि जब सबसे पहले YouTube आया था तो पंजाब ने बाजी मारी थी, और बाजी मार में जब पंजाब आगे लिकड़ गया, उसके बाद पंजाब ने अपनी वीडियोस को सुदृढ़ करने का काम किया। हरियाणा भी उससे ट्रैक पर चल रहे हैं। हरियाणा ने पहले YouTube पर बाजी मारनी शुरू करी व्यूज में, उसके बाद अब हरियाणा की जो वीडियो है वे भी अच्छी आने लगी। बहु काले के गाने की ऑडियो के साथ साथ उसकी जो स्ट्रेंथ है वह वीडियो भी। बिल्कुल बिल्कुल। और उस वीडियो के बारे में जब आज मेरे से एक चैनल ने पूछा था तो मैंने यह बताया था कि भाई कोई भी काम बिना टीम के पूरा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। उस वीडियो में से कोई डीओपी है, डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है, प्रोडक्शन वाला है, स्पोर्ट बॉय है, कोई लाइट वाला है, कोई भी पैनिया है, वो सब बहुत साथ दें, जबकि तजाक सबकी दुआएं, सबकी मेहनत का वो है। जब एक प्रोजेक्ट बने वो हलवाई याद आओ भाई, वो हलवाई मतलब इतना याद है, वो हलवाई डोली भरकर लस्सी की ले आया और अजय उड्डाकर अन्नु का शॉर्ट चल रहा था, तो मैं बोला मैं खत्म आराम से शॉर्ट ले, क्योंकि मैंने सारा दिन हो गया था लस्सी नहीं पी थी मैं बस सारी लस्सी पी गया, और अजय उड़ान का जब नंबर आया तो वो डोली खाली फिर ये आए बोले जी लस्सी, तो हलवाई बड़ा चालू था, बोला एक बोतल में धरी है नीचे धरी, मैंने दे रहा था कम में आदमी है सारी चीजें। बहुत अच्छा हलवाई था, कमाल का एक्टर है वो एक्टर भी है। और राजस्थान में ऐसे लोगों का मिलना, क्योंकि वहां के लोग बेचारे बहुत स्ट्रगलिंग लोग है, तो वो ऐसी आर्टिस्टिक जो अर्ज है वो अपने दिल में बसा के रखना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। राजस्थान वैसे भी हरियाणा का बड़ा भाई है, मारे सब का माइग्रेशन राजस्थान से ही तो है। बिल्कुल। और इस गाने के अंदर भी कुछ खास बात देखने को और सुनने को मिलेगी आपको। एक तो इस गाने की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस सृष्टि के दो बड़े पहलू, पावरफुल ब्यूटीफुल, ये पहला गाना है जो इतनी इतनी भारी बात इसमें आई है नंबर एक। और एक मतलब लड़की इतनी कॉन्फिडेंट है कि हाँ मतलब भाई तुमसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। नाचन वगैरह क्यों स्वादा होगा, क्योंकि आदमी तो नुकेगा अग भाई या जो मेरी बन्नो है ना या कसुती सुतरी है, उससे क्या होगा कि देखो महिलाओं में भी अच्छा लगता है। चोड़े में आप कित अपनी गरालिया की प्रशंसा करा, कट करा, अगर डंडा दे रखे यार कति तंग कर रखे। और जो महिलाएं हैं वे कद अपने खसम ने न्यू मानना है कि ठाडा न्यू कहेंगी ए न्यू शर बढ़ाता अंडे जाए पीले मतलब। लेकिन ये पहला गाना होगा जिसमें महिला पुरुष की प्रशंसा और पुरुष महिला की प्रशंसा करेगा। बिल्कुल। और शिकायत नहीं करे, शिकायत नहीं, पूरे गाने में शिकायत नहीं देखने को मिलेगी आपको। प्यार से कह है अगर तू यूज करा करो लेने हरी फिल्म दिखाना बोल लेने मतलब सच्चाई भी बात है। एक चेहरे को देख कर 10-10 साल काट दिया करते लोग, और ओले में चेहरा होया करता 20-20 साल है। बिल्कुल। बहु ओले में रहा करती और न्यू बस ओले कान कान दिखा रहे उसका अंदाजा ला लिया करते। बिल्कुल। तो इसमें हरियाणवी शब्द है, लेखनी हरियाणवी ठेठ शब्द है, उसमें अंग्रेजी भी मिक्स है, हिंदी भी मिक्स मिलेगी आपको। ये अजय की राइटिंग की खासियत है कि वो ना कई भाषाओं का मिश्रण इस्तेमाल करता है, और यही चीज हमारे जितने भी बड़े राइटर होने चाहिए उसमें, हमारे पंडित लक्ष्मीचंद जी, हमारे फौजी जाटमेर सिंह जी या धनपत सिंह जी या बाजे भगत जी, जिन्होंने भी, पंडित बांगेराम जी, जिन्होंने भी बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी हमारे हरियाणा में या पंजाब में, जितने राइटर हुए चमकीला से लेके मला जट और हमारे गुरु गुरदास मान साहब तक, उन सब ने ना कई भाषाओं का मिश्रण इस्तेमाल किया, इसलिए वो भाषाएं ज्यादा प्रचलित। बिल्कुल, बिल्कुल। पंजाब में जैसे हेलो हेलो थैंक यू करण लगिया आ गई वलैत अंग्रेज वड्डिया, आई डोंट लाइक दी पंजाबी हिंदी नू, शर्म नहीं आती तुहानू तो गाला देंदी नू, सो या फिर अज कर दे हालात ठीक नहीं, अज कर दे हालात ठीक नहीं,
आवे नहीं ते बरंडा वगदा चित कर दे सको डलवा पर कर जे तो डर लगदा। तो बरंडा बरामदा जो इंग्लिश शब्द है और स्कोडा जो है गाड़ी का नाम है जो इंग्लिश वर्ड है। सो इसी तरह से राजस्थानी के जो बड़े राइटर हुए हैं पंडित तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखा उन्होंने भी अवधी ब्रज और उर्दू के मिश्रण और हिंदी के मिश्रण से ही संस्कृत के मिश्रण से ही रामचरितमानस लिखी। इसी तरह से हमारे हरियाणा में जितने बड़े राइटर हुए हैं हमारे पंडित लक्ष्मीचंद जी ने तो इंग्लिश के शब्द मेहर सिंह जी ने इंग्लिश के शब्द ने बोलिया उन्होंने लिखा बोलिया के जो घड़ी ना भी तीन अपल गुजरे उतरिया जहाज शिखर थे बरसन लागे फूल बोस पे जब हाथ मिला हिटलर थे। तो उसमें उन्होंने जर्मन आले लोग बोस ने ठाठा देखे एडी और मंगल गावे गीत सुनावे फूल बगावे लेडी। तो लेडीज हो इंग्लिश वर्ड शिखर हिंदी शिखर हिंदी शिखर है ना और जहाज हिंदी शब्द है बिल्कुल। तो इसलिए बड़े बड़े राइटरों ने भी इंग्लिश हिंदी बहुत सारी भाषाएं मिक्स की तो वो भाषा वर्सेटाइल बन गई जो अजय की इस गाने में आपको खासियत देखने को मिलेगी। वो गलत की मैं कुछ इंग्लिश वर्ड देखे हाँ तो वो बहुत अच्छा लगता है। हैंडसम का बता कोले ने ब्यूटीफुल साड़ी फोटो सो ये चीज भी फेमस जो है ना मुझे लगता है कोले मतलब कितना बड़ा ट्रेड शब्द है बिल्कुल। इसमें भी एक दो वर्ड है इसमें यूज करा करो ले मतलब मेरे को रियली मेरे को इस गाने की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन लगती है तू यूज करा करो लेने फ्री फिल्म दिखाना मोल लेना कितनी प्यारी चीज। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें हरियाणवी शब्द मिलेंगे आपको और जो कॉम्पोजिशन है वो मिलेगी आपको पलवल साइड से आगे निकलने के बाद जो हमारे ब्रिज की रस्सियां हैं हाँ रस्सियां मिक्स है और कुछ जो अंतरे हैं वो पर्सनल किए हैं गजेंद्र भाई ने बिल्कुल। तो और उसके बाद जो पीस मिलेंगे उसमें राजस्थानी पीस में आपको राजस्थानी खुशबू मिलेगी बॉलीवुड की खुशबू मिलेगी एक पीस में आपको बॉलीवुड की खुशबू मिलेगी। तो हरियाणा भी मिलेगा राजस्थान भी मिलेगा आपको यूपी मथुरा भी मिलेगा और राजस्थान भी मिलेगा। अरे हरियाणा तो है भाई पांच स्टेट हमने इकट्ठी की हैं और उसमें हल्का फुल्का थोड़ा सा जो आपको बीट और किक जो दिखाई देगी उसमें हल्का फुल्का जो हरियाणवी फ्लेवर के साथ साथ पंजाबी किक तो पंजाबी है हाँ वही 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 इसीलिए मैं कह रहा था कि हमने हमने इस गाने को वर्सटाइल बनाया है और ना केवल हरियाणा पांच स्टेट में बाजे हरियाणा पूरी दुनिया में बाजे क्योंकि जो भी हम बनाते हैं वो मतलब हमें हमारी बोली को प्रेजेंट करती है बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो इसलिए हरियाणवी जो है वो ओवरसीज भी इस टाइम बाजन भी लग रही है बिल्कुल बाजन लग रहा है। और इतिया हम अपने हरियाणवी गाने ने मुख्यमंत्री थी बना सका बनाए हर हमने भाई ईव जरूरत है अपने हरियाणवी गाने ने प्रधानमंत्री बनाने की समझ रहे होगे देसी भाषा में अजय का मतलब है पूरे देश में हरियाणवी गाने को मुख्यमंत्री बनाने का मतलब है कि हरियाणा स्टेट तक फैलाने का और प्रधानमंत्री बनाने का मतलब कि पूरे भारत और दुनिया में फैलाने का बिल्कुल बिल्कुल मतलब एक वर्ड यूज किया था उपमा बोलते हैं उसको बिल्कुल बिल्कुल। तो इस गाने को बहुकाले की को भी आपने ओवरसीज गाना बनाया हमने न्यू आशा है कि इस गाने ने भी तम देखो इसलिए जहां तक मेरी उम्मीदें हैं ये उससे ऊपर का सॉन्ग रहेगा जहां तक मेरी उम्मीदें पर्सनल ओपिनियन है मेरा है बाकी आप लोग हैं और जब आप लोग हैं साथ है, तो मैं किसी से डरा नहीं करता घबराया नहीं करता मैं किसी चीज से नहीं घबराया करता माता रानी साथ हो और आप लोग तैयार हो फिर तो मैं आप देखूंगा। पूछा था कि तू किस बिना पे इस गाने में हिट होने का कागज पे लिखने लग रहा है फोटो भी तरवाई लिख के ये जी इस बिना पे कि मैंने ऐसा लगा हरियाणा के लोग ही नहीं करेंगे तो थारे ऊपर छोड़ दिया इतना चालू आदमी है तो ये मैं भी क्या कहता भाई जब हरियाणा के लोग ही गारंटी अगला लेने लग रहे हैं तो फिर देखी जाएगी क्योंकि डीजे पे जो प्यार मुझे देता हरियाणा यूपी राजस्थान इतना प्यार शायद ही किसी नसीब वाले को मिला होगा मैं बहुत ही मतलब कर्जवान हूँ आप लोगों के प्यार का और मैं इसीलिए इतनी ज्यादा और मेहनत करके दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेके आने की कोशिश करता हूँ और मैंने कोई ऐसी टीम हो ना जिसकी गला वो कुछ भी कर सका है। एक और देखो बहु काले की के बाद हमने खाट गाना दिया जो बिल्कुल अलग फ्लेवर का था ठीक है तो उसके भी अभी 44 लाख भी उसके हो गए हैं बट यो जो गाना हमने कति बहु काले की के फ्लेवर का दिया है सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब जीत तुम्हारे हाथों में अब हार तुम्हारे हाथों में तो न्यू ना करियो कदे हमने सोचा यार यो क्यों होया और कदे कोई सा सवाद न्यू कह देख थारा तुक्का लाग रहा था वो गाड़े की का तुक्का तो करता लगन ना दिया इतने हिट गाने पहले से तुमने कर रखे हैं
तो अब आशा यही है कि आप सब लोग इसमें खुश हैं। एक भाई ने मेरे कही थी कि यह टीम है जुड़ी है कोई ना एक आधा हो जाए आग्रह ठीक है। तीसरा गाना लग रहा है तो उस भाई को मैं एक बात बताने लग रहा हूँ कि बलमा पावरफुल आने लग रहा है भाई, ध्यान से देख लिए ये हरियाणा मेरी गल्ला है और पूरी टीम ने मेहनत कर दी है, तने फिर वही दिन दिखावांगे जो दो महीने पहले बहु काले की ने लाए थे। तो भाई इसी के साथ एक बार सब शेयर कर दियो उस आशा के साथ कि आप इस गाने में बहुत प्यार दोगे। YouTube पे ऊपर लिंक है, बेशक देख लो हमारे लाइव के ऊपर। ऑडियो 10 को रिलीज होगी ना, ऑडियो 10 तारीख को रिलीज हो जाएगी। वीडियो पे वर्क चल रहा है और आप अपना पर्सनल ओपिनियन भी दे सकते हैं कि आप वीडियो बहुत मतलब उसमें सिंपलिटी देखना पसंद करेंगे, एक सिंपल वीडियो होनी चाहिए मतलब जो आज उन्होंने जो बात कही बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक तो ना तुम इस लाइव के नीचे या तो कमेंट डाल दो या हमारे फेसबुक पे जिस पेज पर हम लाइव उसके मैसेज करो सारे भाई प्लीज। हाँ एक बार शेयर तो कर दो ताकि मैं हम जो सुझाव मांग रहे तुम दे दो। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है, एक तम ना हम तम हमने न्यू बताओ एक मिनट बहुत बड़ा मैसेज है। क्या है मेरे पास हो भाई, तेरे नहीं पड़े जाएंगे करने मिला एक एक चाहे तो तुम हमारे फेसबुक के इस लाइव के नीचे लिख दो या फिर तुम फेसबुक के हमारे इस पेज के मैसेज बॉक्स में भेज दो। हमने न्यू बताओ कि हमने इसकी जो वीडियो है हम उस पर वर्क करने लग रहे हैं। हम उस वीडियो को सिंपलेस्ट ठेठ गांव वाली बहु काले की तरह बनाए या गन की तरह बनाए या फिर एक थोड़ा मॉडर्न बना। हाँ मॉडर्न। देखो अन्नू ने इस वीडियो के लिए आगे के बाल कटा लिए हैं, दिखा बेशक अन्नू ना। हाँ। देखो ये आगे के बाल इसने छोटे करवा लिए हैं। या नुबली मैं नुलमा तो बाल छोटे करा लिए, नुबली मैं गंजी भी हो सकूं जब बढ़िया गाना हो तो खैर मजाक की बात है, जोक्स अपार्ट मतलब आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, न्यू प्यार बनाए रखियो इस गाने पे भी। ये भी पोस्ट पर जानी चाहिए दबा के। और आप लोगों को छोटी सी क्लिप कल मिलेगी मेरी अन्नू की सताई की, परसों पहले अंतरा की मिलेगी और उससे नेक्स्ट दिन सेकंड अंतरा की मिलेगी, उससे अगले दिन 10 तारीख को आपको फुल ऑडियो मिल जाएगी कंप्लीट। काम चल रहा है ऑडियो पे, दिन रात दीवान भाई काम करने लग रहे हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग चल रही है, जीआर भाई ने अपनी मेहनत करके उनको सौंप दिया है और हम आप लोगों को 10 तारीख में सौंप देंगे। गाना पसंद आएगा पक्का। उसके बाद यूट्यूब पे जहां कहीं आपको आपके पर्सनल चैनल्स हैं, टिकटॉक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, कहीं ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, आपके जितने आपसे हमारे व्हाट्सएप पे, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 92530222229, दोबारा बोल रहा हूँ 92530222229 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिस का मेरा नंबर है, मेरे मैनेजर इस नंबर पे आपके व्हाट्सएप रिसीव करेंगे। उन व्हाट्सएप पे बेशक वीडियो बनाकर डाल दो इब्तेहाज पे। अरे तुम कहोगे कि ये बनावा तो भाई ऑडियो इस लिंक में पड़ी है, उस ऑडियो में ऑडियो छोटी सी पड़ी है, वीडियो स्थाई पड़ी है, स्थाई पूरा पड़ा है लड़का लड़की का, उस वीडियो पड़ी है, उस वीडियो में ऑडियो काटो और अपने बना के बेशक मेरे नंबर भेजो। आप भी अपना नंबर दे दो, आपके पास भी भेज सकते हैं अगर कोई व्हाट्सएप नंबर हो नहीं आपका है ठीक है। 92530222229 पे आप अपनी वीडियो भेज दो, उस वीडियो को हम गाना आने से पहले ही शेयर करते रहो आगे। अब 3-4 दिन तो ऑडियो पे, फिर जाकर वीडियो पे इतनी वीडियोस मिलनी चाहिए कि YouTube वाले न्यू हिल जाए, न्यू देखा कि यार यो के जुलमान लग रहा है आन तो पहले यो हाल, क्योंकि बहु काले के में एक दर्द मारा रहा है यार, थोड़ा थोड़ा सा शिकायत नहीं है, शिकायत हम कर नहीं सकते, नौकर आपके, दर्द ये था कि सारी वीडियोस बाद में आई, सिर्फ पहले एक तो रामपड़ ब्रदर की आई या एक दो साथियों की हो रही और जैसे ही गाना का वीडियो रिलीज होगा फिर मेरी आने लगी। तो उसमें क्या होता है कि जब मेन ओरिजिनल गाने की वीडियो रिलीज होगी तो फिर उन वीडियोस का थोड़ा सा फीका हो जाता है, इसलिए प्लीज आप पहले दे दो ना, इसलिए हम आपको टाइम दे रहे हैं। हाँ। तकरीबन वीडियो रिलीज करेंगे 17 फरवरी के लगभग, चलो पहले तकरीबन अच्छा 16 भी हो सकते 18 भी हो सकते। हाँ तो अच्छा। मतलब क्या है 6-7 दिन तकरीबन आपको मिलेंगे ऑडियो पे, मतलब वीडियोस बनाने के, आप फैलाने के, हरियाणवी के लिए प्यार दिखाने के टाइम मिलेगा आपको। तो प्लीज दिखाते रहिए हरियाणवी के लिए प्यार, क्योंकि हम हरियाणवी के लिए ही बने हैं। जय हिंद, जय हरियाणा, राम राम सारा ने, प्लीज जय हिंद, राम राम। मैं बंद कर दूं जी जी, थैंक यू वेरी मच, वेलकम जी।